ते जेड़े टांगियां करदे दाड़ी ते ते फिर नाल ते दाड़ी बन्नी आ ते कदे खोली आ ते नाल एक्टिंग करके दसदे आ। मैं पुछदा ये उस पवित्र गुरु नानक देव पातशाह की गुरबाणी का ओहदा निरादर तां नहीं कि साफ सूरत दस्तार फिरा इन्हों तो साफ सूरत कोई नहीं ते दस्तारां भी सजाईआं वो दस्तारां भी पाउण नूं सजाईआं आ थले केस है नहीं। अज कई बोलते कि श्री अकाल तख्त साहब ने दिशा निर्देश दिता सी धामी नूं श्रोमणी कमेटी को निर्देश दिता सी कि तुसीं ये चैनल चलाओ जी आया नूं असीं बिल्कुल धन्नवाद करदे सिंह साहब का उहदे लई लगे होवां ते सिंह साहब ने एक आदेश इन्हां नूं भी कीता सी कि जिहड़े बंदी सिंह आ पंजाब की सरकार ये भी छड़ाओ ते मता उस असैंबली च लै आउंदे जे जुड़दे आ फिर उत्थे क्यों नहीं मता लियांदा। मैं इन्हां नूं पुछना चाहुंदा कि जे बल्ले हैगे उत्थे दे भगत पंजाब दे ते फिर अपने सरदार सुरिंदरपाल भुल्लर जेड़े उत्थे अपने 28-29 साल की सज़ा भुगत रहे आ ते इन्हां दे लाला जी साइन क्यों नहीं करदे उहदे ते ये कहड़ी आ ये अकाल तख्त की मर्यादा की लंघना नहीं इन्हां नूं निर्देश नहीं दिते। सिंह साहब ने पिछले इतने महीने वो डिब्रूगढ़ वालियां ने भी संदेश दिते सी 27 बच्चे अब बेकसूर इतने अमृतसर जेल च आ होरना जेलों च बैठे आ सानू दसदे आ ये गल पर बोलन लगे सोचिया करो 100 बारी उत्थे तुसीं असैंबली च निरादर कीता भगतां दा जिन्हां की गुरबाणी गुरु पंजम पातशाह ने तुरंत करके सिख हर वेले सवेरे अमृत वेले उठ के नमस्कार करदा ते तुहानू शर्म ना आई ना लैण लग्गियां नूं। गोबिंद सिंह पातशाह ने ककार के तौर पर साफ कसूर सिख होना चाहिए तो तुम फिर टांचा करोगे उसे असैंबली के बच्चे गल करोगे। मैं चाहता नहीं सी बोलना पर मैनू हुण मजबूर होकर बोलना पिया जैसे कोई ऐसा भी हो जाता। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार के वजो ज्ञानी रघुवीर सिंह वालों सेवा संभाल की जिम्मेवारी संभालण से श्रोमणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने जथेदार श्री अकाल तख्त साहब को वधाई दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया नाल गलबात करते हुए मान सरकार से जम के वरसे जथेदार की सेवा से संभाल सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी ने सांभी आ। गुरु साहब ने कृपा की पंथ ने सारे ने एकत्र हो के उन्होंने अज सेवा से सुशोभित किया। सिंह साहब को जिते बहुत बहुत बधाई दिना उत्थे समुचे पंथ को भी बधाई दिना कि सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी बतौर पंज प्यारे उस तो अलावा बतौर ग्रंथी से बतौर जथेदार श्री केसगढ़ साहब सेवा निभाते रहे आ। समा चुनौतियां भरा आ पर इस समय के उत्ते मैं समझदा ठरमे से सहज के नाल सिंह साहब योग अगवाई कर एक मैं क्योंकि कई बार इवें दीआं गल्लां रह जांदियां जिहड़े असैंबली दे विच इह कहिंदे सी कि असीं पवित्र गुरबाणी घर घर पहुँचाउणी आ। मैं उन्होंने पूछना चाहना कि जिस वेले भगत साहबाना के नाम लाए वो बीटा रीटा करके लेते आ गुरबाणी की यह संदेश आ धन गुरु पंजम पातशाह ने उन्होंने भगतों की करके कहा तो ये असैम्बली के हम इदा ही पाँगे प्रोटोकॉल फिर जिदा किसी पिंड के किसी छोटे बच्चों के नाँ लेते किसी ना भगत नहीं लाया। गुरु पंजम पातशाह ने गुरबाणी जिते शुरुआत की बाणी भगत नामदेव जी की बाणी भगत कबीर जीओ की तो ये उत्थे की कर रहे हैं जिमें आप एक पहाड़ा पढ़ी का ये गुरबाणी का सत्कार आ ये उन्होंने गुरबाणी रची आ जिन्हों का इनाम लै रहे थे। मैं कहना शर्म आनी चाहिए आ कि उत्थे गुरबाणी दल्ला करने वाले घर घर पहुँचाने वाले उत्थे असैंबली में यह सुनेहा दे रहे सब तो पहाड़ा साफ कसूर दस्तार सिरा गुरु नानक देव पातशाह जी पवित्र गुरबाणी का कथन आ। मनुख साफ कसूर के सिर से दस्तार हो ते जेड़े टांगियां करदे दाड़ी ते फिर नाल फिर दाड़ी बन्नी आ ते कदे खोली आ ते नाल एक्टिंग करके दसदे आ। मैं पुछदा ये उस पवित्र गुरु नानक देव पातशाह की गुरबाणी का ओहदा निरादर तां नहीं कि साफ सूर दस्तार सिरा इन्हां तां साफ सूर ते कोई नहीं ते दस्तारां भी सजाईआं वो दस्तारां भी पाउण नूं सजाईआं आ थले केस है नहीं। मैं समझदा बड़ी वड्डी नहीं उहदा उलंघना कीती आ गुरमति उलंघना कीती घर घर कह के ये गल कहनी कि असीं घर घर च गुरबाणी पहुँचावे असीं भी पहुँचावे असीं सारा तय किया आ। पर यह मुद्दा जिहड़ा आ ये पंथक मुद्दा
ये चाहते हैं कि ये सारा असी लाहा ले लीए और मैं एक होर जी बेनती करनी चाहना अज कई बोलते हैं कि श्री अकाल तख्त साहब ने दिशा निर्देश दिता सी धामी ने श्रोमणी कमेटी को निर्देश दिता सी कि तुसी ये चैनल चलाओ जी आया असी बिल्कुल धन्यवाद करते सिंह साहब का वो लगे हाँ तो सिंह साहब ने एक आदेश इन्हों भी किया जेड़े बंदी सिंह या पंजाब की सरकार ये भी छड़ाओ तो मता उस असैम्बली लै आते जे जुड़ते हथ फिर उत्थे क्यों नहीं मता लिया मैं इन्हों पुछना चाहना कि जे बड़े है उत्थे दे भगत पंजाब दे ते फिर अपने सरदार रविंद्रपाल भुल्लर जेड़े उत्थे अपने 29 साल की सज़ा भुगत रहे तो इन्हों लाला जी साइन क्यों नहीं करते उसते ये कि अकाल तख्त की मर्यादा की लंघना नहीं इन्हों निर्देश नहीं दते सिंह साहब ने पिछले इतने महीने वो डिब्रूगढ़ वाले ने भी संदेश दते 27 बच्चे अब बेकसूर इतने अमृतसर जेल च आ होरना जेलों च बैठे आ सानू दसते ये गल ये कह के जेडे मैं किसी का ना नहीं लैना पर बोलन लगे सोचा करो 100 बारी उत्थे तुसी असैम्बली च निरादर किया भगतों का जिन्हों की गुरबाणी गुरु पंजम पातशाह ने तुरंत करके सिख हर वेले सवेरे अमृत वेले उठ के नमस्कार करता तो थानू शर्म ना आई ना लैन लगे तुम उन्होंने भगत नहीं ला सके सत्कार नहीं भेट कर सके तो दाड़ा जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने ककार के तौर पर साफ कसूर सिख होना चाहिए तो तुम फिर टांचा करोगे उसे असैम्बली के बच्चे गल् करोगे मैं चाहता नहीं सी बोलना पर मैं हूँ मजबूर होकर बोलना पिया जैसे को तैसा भी हो जाता एक दफा टैट भी हो जाता इदा दिया गल ना करो उस तो बाद जे डिब्रूगढ़ वाले आ उन्होंने अकाल तख्त ने संदेश दिता से इन्हों सरकार भी चुप बैठे मैं एक इस तो अलावा एक बड़ी गल मैं होर करनी चाहना सुप्रीम कोर्ट का आसरा लैके ये कह रहे जी असी पंजाब का एक्ट जोड़ा वो तरमीम करती तो उस असैम्बली DGP लई एक उतों सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी आई कि सेंटर सरकार जी सेंटर सरकार 3 मैंबर पाउणगे तो अपने हर एक स्टेट उन्होंने भेजूगी।